सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फिर से आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि इस ये वीडियो बहुत सी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो इस वीडियो में जो चर्चा होने वाली है वो मनोज सर से रिलेटेड है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और अगर मैंने मेरे चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो इसमें इस वीडियो में चर्चा होने वाली है कि आप हाउ टू फाइंड आउट उसका ये मनोज सर का रियल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी। सो आप कैसे मतलब ये कर सकते हैं कि उसका रियल मतलब इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है, क्योंकि हम जब इंस्टाग्राम आईडी पर उसका मतलब ये इंस्टाग्राम में उसका जब आईडी सर्च किया तो बहुत सारा मतलब ये हमको देखने को मिला। तो उसमें एक मतलब एक आईडी लिखा हुआ ऐसा कुछ था फोटो वगैरह में उसका कि 2000 देखे मतलब ये अपना चैनल प्रमोट करने जैसा। तो मैंने सोचा यार ऐसा तो मनोज सर कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और हम इसे क्योंकि हम खुद जानते हैं कि मनोज सर कैसा घर से ये होके मतलब ये हुए हैं, क्योंकि हम खुद झारखंड से बिलोंग करते हैं, मनोज सर भी झारखंड से बिलोंग करते हैं। सो तो मैंने सोचा कि एकदम ये मेरा मेरे को फेक लग रहा है, ये मनोज सर कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब ऐसा मनोज सर कभी कर ही नहीं सकते, मतलब मुझे विश्वास नहीं आया, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया कि मतलब उसका ये चैनल सर्च किया यूट्यूब में, यूट्यूब करने के बाद तो फिर मतलब क्या किया मैंने उसका डिस्क्रिप्शन जो मतलब उसका दिया होता है इंस्टाग्राम आईडी, उसको क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद बेटा पहुँचा दिया वहाँ इंस्टाग्राम आईडी में, देखे तो वहाँ मतलब रियल जो है उसमें मतलब हमको ये देखते हैं कुछ और है, ठीक है। और जो हम वहाँ देखे सर्च करके उसमें बहुत सारा 4-5 ठेका शो कर रहा था। सो मतलब इस पर वीडियो में यही चर्चा होने वाले। और अगर आप मतलब इंस्टाग्राम आईडी में रियल आईडी यदि मनोज सर का मतलब सर्च करना चाहते हैं, सो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी रियल आईडी है या नहीं मनोज सर का। सो और अगर दूसरा ऑप्शन है कि आप उसका यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है उससे आप मतलब ये कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इंस्टाग्राम आईडी पर पहुंच सकते हैं। सो अगर आप इंस्टाग्राम से डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते, नहीं करते, वीडियो कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम को ओपन कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी में आप ओपन करने के बाद, ठीक है, अपना अगर जब लॉगिन वगैरह नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद आप सर्च के ऑप्शन में, सर्च बॉक्स के ऑप्शन में आप सर्च में कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए मैंने सर्च किया था, तो अभी खुद करके दिखा देते हैं। दूसरी बात मनोज, ठीक है, दे ऐसा कुछ उसका है। तो आप देखिए मनोज दे 23, मनोज, ठीक है, मनोज ये दिखा नीचे कुछ है, ठीक है, मनोज दे 233 233, मनोज दे 333, मनोज दे 232 ऐसा, ठीक है। सब में अगर बाकी हाँ मनोज दे 33 वाला हूँ, बाकी उसका इमेज नहीं, बाकी उसका कुछ मतलब किसी दूसरा का हुआ रियल आईडी पता नहीं उसको भी, और बाकी इधर कितना देख रहे जो उसका इमेज फोटो लगा हुआ है, ठीक है, अपना डीपी लगाया हुआ है, अब पता नहीं कि फेक या नहीं, वो क्लियर हो ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मनोज दे यूट्यूबर लिखा हुआ है ऐसा है कुछ, मनोज दे 23, मनोज 23, मनोज दे बोकारो, मनोज दे फैंस क्लब, मनोज दे डॉट 123, मनोज दे डॉट 23, मनोज दे इतना, मनोज दे 274, जबकि फोटो लगाया हुआ है, मनोज दे कितना सारा सर्च, मनोज दे फैंस पेज। देखिए आप देख के यदि यहाँ से यदि सर्च कीजिए, और यदि आप फाइंड आउट कीजिएगा कि कौन वाला रियल है उसका, तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि अब उसका इतना मनोज मतलब मनोज दे से नाम से मतलब इतना ये आईडी बना हुआ है, और सब में फोटो मतलब मनोज सर का ही लगाया गया है, सब पता नहीं इसमें आप कैसे बड़ा बताए कि कैसे आप इसमें फाइंड आउट कीजिएगा कि मतलब उसका रियल आईडी कौन सा है, ठीक है।
और उससे मतलब जैसे चैनल प्रमोट वगैरह जैसे करवाने चक्कर में आप जैसे पैसा वगैरह जैसे ये कर सकते हैं UPI के थ्रू, यदि सेंड वगैरह कर देते हैं तो बेटा वो गया बेटा को पैसा फंस जाएगा, क्योंकि मनोज सर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते कि इसे प्रमोट वगैरह करने के चक्कर में पैसा मांगने का, उसका ये सोच ही पैदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें आप जो मनोज दे अगर यदि इंस्टाग्राम आईडी से फाइंड आउट कर सकते हैं, करना चाहते हैं कि रियल कौन सा है या नहीं है, और अगर उधर से कीजिएगा डिस्क्रिप्शन के थ्रू से तो रियल में आप पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां से आप ये ब्लॉक कर लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी यहां से सर्च यदि आपको करना है तो मनोज दे 23, ठीक है, उसका जो फ्लोवर है कुछ ऐसा, वो देख के आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बंदा यही है कि इतना फ्लोवर इसका ऐसा कुछ है। ठीक है, बाकी आपका वीडियो वगैरह इमेज वगैरह यदि देखिएगा तो बड़ा जो फेक आईडी बनाया है वो भी मतलब तो उसका वहाँ से ये करके अपना यहाँ पेस्ट कर दे, ये डाल देता पोस्ट कर देता है। ठीक है, उसे आप फाइंड आउट यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए ये जो हम ये जो फॉलो किए हैं, ठीक है, मनोज दे 23, ये हम फॉलो किए हैं इसलिए हम सर्च जैसे भी करते हैं वो मतलब सबसे सर्च लिस्ट में ऊपर में आ जाता है। ठीक है, दिखा देते मनोज दे फॉलोइंग, इसलिए मैं फॉलोइंग में ही था। देखिए मनोज सर का ये कुछ है, मनोज सर का जो रियल है मनोज दे 23 यही है। ठीक है, अगर यदि आपको यदि विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मोटिवेशनल यूट्यूबर ऐसा कुछ है और मनोज दे @gmail.com, यहाँ से मतलब मोर में देखते क्लिक करके चैनल का लिंक है भी है। ठीक है, अगर यदि आपको विश्वास नहीं होता तो चैनल का लिंक विजिट करके भी आप वहाँ से डायरेक्ट मतलब ये पहुँच सकते हैं। ठीक है, भले दूसरा भी ये मतलब फेक आईडी भी उसका ये करके लिंक को ओपन कर अपने यहाँ से दे सकता है, बट मुझे ये नहीं लगता। जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ फॉलो कर लें, ठीक है, आप फॉलो जैसे कर लें यहाँ से तो फॉलो एक मिनट के लिए फॉलो कर लें। ठीक है, आप उसके चैनल को विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन जाइए जो लिंक है वहाँ से फिर डायरेक्ट कीजिए। ठीक है, वहाँ से क्लिक कीजिए, आप उस आईडी पर पहुँच रहे या नहीं इसे भी ये हो जाएगा फाइंड आउट, क्लियर हो जाएगा कि आप जिसमें हम फॉलो अभी किए जस्ट और उसी के थ्रू फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर रिटर्न जब आए यूट्यूब से डिस्क्रिप्शन के जो आज जो लिंक दिया है आईडी का इंस्टाग्राम आईडी का, उससे आप यदि फॉलोइंग जॉब किए हैं उसमें यदि पहुंच रहा है तो ठीक है, क्लियर है कि मतलब आईडी उसी का है। ठीक है, अब उसे क्लियर है कि क्योंकि यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें उसमें जो जो भी मतलब सोशल मीडिया का जो लिंक है वो जो यूट्यूबर है उसका छोड़ के कोई मतलब यहाँ ही वो वहाँ से मतलब डाल ही नहीं सकता। ठीक है, उसे अब कन्फर्म है कि वो जिसका जो है, ठीक है, ऑनर थी चैनल का वही मतलब उसका अपना जो दिया है सो समझ उसी का है। ठीक है, और देखिए उसका कुछ मनोज सर का कुछ ऐसा है वीडियो वगैरह जो है, और ये मनोज सर कभी मतलब एक भी ऐसा नहीं लिखे हैं कि इतना दो तो ऐसे प्रमोट होगा तो ऐसे ना फन 2000 तो 3000। अब जितना फेक आईडी में फोटो में लिख देते हैं दिमाग खराब करके, ठीक है, और ले भी लेते हैं, बता नहीं आदमी इतना क्लियर भी ना बंदा लोग करता है और डायरेक्ट ये पैसा पे कर देते हैं, ऑनलाइन का जमाना है। ठीक है, सो देखिए इसमें तो क्लियर हो गया होगा अभी तक कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ये सावधानी बरतने के लिए वीडियो हम बनाए कि मनोज सर के चक्कर में ऐसा नहीं कि मतलब वो फेक आईडी बना के मतलब ऐसा धांधली ये कर रहे हैं, ऐसा से मतलब इस कैसे आप सावधान रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। सो वीडियो में थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए बना दिए। सो वीडियो में अगर जो लाइक के लिए लगी है अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।